पे चीफ की साइड से स्टोरी दिखाई जाती है कि चीफ स्टार्टिंग से कल्प्रिट थी, मतलब लीजन का खून भी उन्होंने ही करा था और सियो क्योंग का खून भी उन्होंने ही करा था, और नए डुवोन की बॉडी को भी चीफ ने जलाया था ताकि कोई एविडेंस ना रहे इस दुनिया में। चिंगू जब आठवीं लाश ढूंढने के लिए डॉक्टर के उसी रूम में जाता है जहाँ पर वो और लड़कियों को मारा करता था, तो वहाँ पर भी चीफ ही आग लगा देती है, जिसकी वजह से मतलब मंगू बहुत जल जाता है, आई मीन चिंगू। और जेल में भी डॉक्टर से कोई और नहीं, चीफ ही मिलने आई थी। यहाँ सियो क्योंग मंगू के पास हॉस्पिटल पहुँचते हैं बिकॉज मंगू बहुत बुरी तरीके से चल गया होता है, एंड चीफ भी यहाँ पर दिखावटी केयर करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं हॉस्पिटल में। यहाँ डॉक्टर न्यूज़ देखता है और उसको पता लग जाता है कि चीफ ने आठवीं लाश को गुम करवा दिया है, एंड वो चीफ को कॉल करता है। डॉक्टर यहाँ चीफ से क्वेश्चन पूछता है कि बताओ आपका जवाब क्या है, जिस पर चीफ बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगी। जब चीफ देखती है कि सियो क्योंग वहाँ डुवोन को ढूंढने निकली हुई है, तो वो फटाफट रेल विभाग में कॉल कर 8210 ट्रेन के खिलाफ कोई आर्टिकल छपवा देती है। यहाँ डुवोन अपनी दुनिया में आ गया होता है और वहाँ वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है बिकॉज गोली उसके शोल्डर पे लगी होती है, और यहाँ मीन गुस्सा करते हुए आती है कि तो बेवकूफ़ा बिना कुछ बोले गायब हो जाता है, बिना कुछ बोले प्रकट हो जाता है, लाइक बता के तो जाया कर। बट यहाँ डुवोन के गुस्से का लेवल तो बहुत चढ़ा हुआ था, वो गुस्से से पूछता है चीफ कहाँ है, और गुस्से से पुलिस स्टेशन में चीफ के रूम में चला जाता है। बट वहाँ पर वो देखते हैं कि चीफ चेंज हो गया, और चंकू मंगू डुवोन को बाहर लेकर आते हैं और बताते हैं कि चीफ ने रेजिग्नेशन लेटर कब का दे चुका है और यहाँ पे न्यू चीफ आए हैं। पहले आप बताओ कि आप इतने दिनों से थे कहाँ, आपको पता है आपके चक्कर में हमने एक भी छुट्टी नहीं ली। यहाँ डुवोन को अपने कई सवालों का जवाब चाहिए था, इसीलिए वो चीफ को ढूंढने उनके घर जाता है, एंड वहाँ जाकर उसको पता लगता है कि चीफ काफ़ी टाइम से अपने घर में भी नहीं रह रहे। चीफ के घर में डुवोन चीफ के साथ डॉक्टर की एक फोटो देख लेता है, एंड देन वो फिर से मुग्योंग स्टेशन चला जाता है, फिर से मतलब पैरेलल यूनिवर्स जाने के लिए, एंड वो काफ़ी टाइम तक वेट करता है बट ट्रेन नहीं आती। सियो क्योंग भी देखती है कि अगले हफ्ते तक बारिश ही बारिश है, डुवोन क्या पता अपनी दुनिया से इस पैरेलल यूनिवर्स में आ जाए, और वो ट्रेन में उसका वेट कर रही होती है और साथ में उसके साथ बताया हुआ सारे पलों को याद कर रही होती है कि कैसे डुवोन ने उसकी इतनी केयर करता था, हमेशा मतलब उसके आगे पीछे घूमता था। जब सियो क्योंग को पता लगता है कि ट्रेन चेंज हो गई है, तो वो रेल विभाग में जाती है और 8210 वाली ट्रेन के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसको उसके खिलाफ एक आर्टिकल दिखा देते हैं, और इस बात को वो मिन को बताती है, आई मीन सियो क्योंग मिन को बताती है कि वो 8210 वाली ट्रेन तो रुक गई है, इसकी वजह से अब डुवोन अपने दुनिया से यहाँ नहीं आ सकता। डुवोन को मिन के थ्रू पता लगता है कि चीफ का बेटा था, और चीफ का एड्रेस भी मिल जाता है, एंड डुवोन चीफ को ढूंढने के लिए वहाँ जाता है, और वहाँ वो देखता है पूरे घर में सिलेंडर की गैस भरी हुई है, और चीफ अपने अधमरे बेटे के पास बेहोश पड़ी है, जिसको काफ़ी मतलब हॉस्पिटैलिटी वाले इक्विपमेंट्स लगे हैं। डुवोन फटाफट चीफ को जगाता है, डुवोन उनसे सवाल करता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और यहाँ पर चीफ सारा सच बताना स्टार्ट करती है कि मेरी मम्मी को कुछ इस तरह की बीमारी थी जिसमें उनको मेंटली इफेक्ट पड़ता था, और उनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया था, और ये बीमारी मेरे थ्रू मेरे बच्चे को पास हो गई। इस बीमारी के चलते मैंने अपने बच्चे को अपने से अलग कर दिया बिकॉज मैं उस बीमारी में तड़पते हुए अपने बच्चे को नहीं देख सकती थी, और मेरे बच्चे को आज तक यही लगता है कि मैंने उसको छोड़ दिया, लाइक अबैंडन कर दिया। चीफ को स्टार्टिंग से ही पता था कि उसी के बेटे ने सियो क्योंग के फादर को मारा है, बट उसने इस बात को छुपा के रखा, और जब डुवोन भी वो चेन लेकर खुद से अपने फादर का जुर्म कबूल करने आया था, तो चीफ ने डुवोन को भी ये समझाया था अपने बेटे को बचाने के लिए कि तेरे फादर तो मर गए हैं, क्या तू इस टाइटल के साथ जिएगा कि तू एक मर्डरर का बेटा है, इसलिए मतलब उन्होंने डुवोन को भी साइड कर दिया था। इस बात को जानकर ऑब्वियसली डुवोन को बहुत गुस्सा आता है, और वो चेन चीफ के सामने फेंक देता है कि आपने कब तक मुझसे ये छुपाना था कि आपको ज़रा भी बुरा फील नहीं हुआ, जिस पर चीफ बोलती है कि मेरे को बहुत बुरा फील हुआ पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक्चुअली मोटा बहुत बुरा फील कर रहा था कि उसके दोस्त ने उसके सौतेले बाप को मारा, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाने की जिद कर रहा था और सब कुछ बताने की जिद कर रहा था, और वो डॉक्टर मोटे को रोकने लगा था, इस चक्कर में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और तब से इस दुनिया में जो डॉक्टर है सिर्फ मशीनों के सहारे ही जिंदा है, इसीलिए इस दुनिया में डॉक्टर मर्डर नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने एक्सीडेंट से लेकर अब तक बेड पे ही पड़ा है। हाँ, डुवोन फिर मुग्योंग स्टेशन पे चला जाता है इसी आज के साथ कि ट्रेन आ जाए। उस टाइम सियो क्योंग में मुग्योंग स्टेशन पर होते हैं, मतलब दो इंसान एक ही समय पर एक ही जगह पर है, बस अलग अलग दुनिया में, और यहाँ दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस फील होती है बट स्टिल दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। यहाँ पर ऐसा भ्रम क्रिएट करा गया है कि दोनों ने एक दूसरे को कुछ सेकंड के लिए देख लिया था, बट इन रियलिटी पैरेलल यूनिवर्स है, बस दोनों ने एक दूसरे को फील किया था। सियो क्योंग डॉक्टर के पास जाती है और बड़े ही स्वैग से बोलती है कि मेरे को पता लग गया है कि अगला टारगेट तेरा मैं नहीं हूँ, वो तेरी मॉम है, बिकॉज उन्होंने तेरे को अकेले छोड़ दिया तेरी बीमारी के चक्कर में। लाइक वो डॉक्टर को बहुत कुछ सुनाने लग जाती है, और ये सब सुनकर डॉक्टर के मुंह का रंग उड़ जाता है कि सियो क्योंग को ऐसा कैसे पता चल गया। बट एकदम से डॉक्टर भी बड़े स्वैग में स्माइल करते हुए बोलता है कि चाहे तेरे को सब कुछ पता है बट तेरे को एटलीस्ट अब तक ये नहीं पता कि मेरी मम्मी कौन है, कि चल देखते हैं क्या तू मेरी मम्मी को मेरे मारने से पहले ढूंढ लेती है। सियो क्योंग जैसे ही क्लिनिक से बाहर आती है, वो लंबू को डॉक्टर के पीछे लगा देती है कि इस पर नजर रख। यहाँ डॉक्टर उन विक्टम्स की वॉइस ऑडियो अपनी मम्मी को भेजते हैं, ये डराते हुए कि ये ऑडियोस में सियो क्योंग को भेजूं, और अपनी मम्मी को मिलने के लिए बुलाते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये वॉइस ऑडियोस में सियो क्योंग को ना भेजूं तो मुझसे मिलने आ जाना अपने घर पे। इतने में डॉक्टर को फील हो जाता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है, एंड वो लंबू को मारकर उसको बेहोश कर देता है। यहाँ पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करते टाइम तालाब से एक कार मिलती है, जिसमें उस
गाड़ी में एक कंकाल को गोली लगी होती है और एक पुलिस वाले के कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे पता लगता है कि वो कंकाल अच्छी पुलिस पोस्ट पे होगा। ये सीन हमें आगे डिस्क्लोज होगा कि ये क्या है, और यहाँ से सीन कट हो जाता है और सियो के अंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही डॉक्टर जो डुवोन से मिलने आया होता है, जिसने वो 100 पेशेंट की वो लिस्ट निकालने को कहा होता है जिसको वो बीमारी है, एंड वो लिस्ट वो डॉक्टर सियो के अंग को पकड़ा कर चला जाता है। एंड सियो के अंग जब उस लिस्ट को देखती है तो उसे पता लग जाता है कि चीफ को भी बीमारी है, और उसको वो समझ आ जाता है कि डॉक्टर चीफ का ही बेटा है। सियो के अंग चीफ को ढूंढने निकल जाते हैं उनकी लोकेशन निकलवाकर, और साथ में पुलिस बैकअप को तैयार रहने के लिए बोलती है, बिकॉज डॉक्टर चीफ को ही मारने वाला है कि चीफ की जान खतरे में है। दूसरी दुनिया में डुवोन भी मुग्योंग स्टेशन के लिए निकल रहा होता है कि ट्रेन आ जाए, बट इस पर मिरेकली 8210 वाली ट्रेन मुग्योंग स्टेशन पे आ जाती है। यहाँ डुवोन को फिर से सरदर्द होने लग जाता है, यहाँ पर तो मैं ही तंग होगी भाई, इतना सरदर्द हो रहा है तो दवाई ले ले। यहाँ इस दुनिया में चीफ भी अपने बेटे के पास पहुँच जाती है, जिसने टेबल पे एकदम से खाना सजाया होता है और मम्मी से अपने मतलब खाना खाने के लिए बोलता है, एंड अपनी मम्मा से वो वही सेम क्वेश्चन पूछता है। हाँ, पर डॉक्टर फिर अपनी मम्मी को बोलता है कि मैं आपको फिर कुछ समय दे रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आप एक पुलिस वाली बनना पसंद करेंगी या मेरी मम्मा बनना पसंद करेगी। जिस पर चीफ ऑब्वियसली बोलती है कि तेरी मम्मी बनना पसंद करूंगी, जिस पर डॉक्टर एकदम से गुस्से से बौखला जाता है और बोलता है, अगर आप मेरी मम्मी बनना पसंद करते तो आप मेरे को आकर हथकड़ियाँ बांध देते, जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, बट आपने ऐसा नहीं करा, आप मेरे को अपना बेटा मानते भी हो कि नहीं। यहाँ डॉक्टर लंबू को भी अपने साथ ले आया था इस घर में, बट लंबू के एकदम से जाग खुलते हैं और वो अपनी रस्सी रुस्सी तोड़ तोड़ कर वहाँ से भागने लग जाता है, बट आवाज़ से डॉक्टर को पता लग जाता है कि लंबू भाग रहा है, और वो जाकर बाहर एकदम से लंबू को बहुत बेरहमी से मारने लग जाता है। यहाँ चीफ भी अपने बेटे को रोककर उसके हाथ से बेसबॉल लेकर वो भी मतलब लंबू को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। यार कैसी औरत है ये बंदी। इतने में डॉक्टर रोते हुए स्माइल के साथ अपनी मम्मी की तरफ देखता है, और वो अपनी मम्मी को वही वाली रिंग देता है जो उसने डुवोन को दिखाई थी, और एकदम से वो अपनी मम्मी का गला दबाने लग जाता है, और साथ में वो चेन के थ्रू अपनी मम्मी को लाइक एक तरह से जान से मारने लग जाता है। बट इतने में सियो क्योंग भी वहाँ पहुँच जाती है और वो डॉक्टर को एकदम से शूट कर देती है लाइक डॉक्टर के शोल्डर पर, और सियो क्योंग लंबू की हालत देखकर एकदम से परेशान हो जाती है। बट इतने में वो गन ट्रिगर होने की आवाज़ सुनती है, और कोई नहीं चीफ अब मतलब कि वो सियो क्योंग पर गन रख देती है और उसको अपनी गन नीचे रखने के लिए बोलती है, और सियो क्योंग यहाँ चीफ को समझाती है कि आपने देखा नहीं कि आपका बेटा ही आपको जान से मारने लग गया था। और इतने में चीफ के दिमाग में डॉक्टर की काफ़ी मरी हुई मेमोरीज चलने लग जाती है, जो अभी हमें समझ नहीं आता। बट इतने में सियो क्योंग का फ़ोन बजने लग जाता है और चीफ का ध्यान भटकता है, और सियो क्योंग एकदम से मतलब उनको धकेल कर वहाँ से भागने लग जाती है। यहाँ चीफ अपने लड़के को जस्ट एक ही बात बोलती है कि कुछ भी हो जाए तो जी सारा ब्लेम मैं खुद पे ले लूँगी, चाहे कुछ भी करना पड़ा है तो जी। देन वो सियो क्योंग को मारने के लिए उसके पीछे भाग जाती है, एंड वो सियो क्योंग पर गन रखकर उसको मारने ही वाली होती है, बट इतने में डुवोन की खतरनाक एंट्री होती है, जो उसके बेटे के सिर पर गन रखते हुए बोलता है कि अगर सियो क्योंग को कुछ भी हुआ तो मैं तेरे बेटे को अभी इसी टाइम शूट कर दूंगा। और इतने में सारी पुलिस फोर्सेस भी वहाँ पर आ जाती है। सियो क्योंग तो एकदम से डुवोन को हग कर लेती है कि मेरे को तो लगा था कि मैं तुम्हें अब कभी देख ही नहीं पाऊंगी, और इतने में उन दोनों को पुलिस पकड़ कर लेकर जा ही रही होती है, बट यहाँ पर चीफ फिर बोलने लग जाती है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं करा, जो भी कुछ करा है मैंने करा है। यहाँ पर एकदम से डॉक्टर एक बात बोलता है जो उसके साथ उसके काफ़ी सारे रूप बोलते हैं कि मेरे को समझ आ गया कि मेरा लास्ट टारगेट कौन है, और वो कोई और नहीं मैं हूँ, और डॉक्टर एक पुलिस वाले की गन छीन कर उसी टाइम खुद को शूट कर देता है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, और इतने में चीफ ईवल स्माइल के साथ डुवोन को बोलती है कि तू बहुत पछताएगा इस बात को लेकर कि तू बाउंड्री क्रॉस कर इस दुनिया में आया। फाइनली एट लास्ट इनके फादर का मर्डर पकड़ा गया। देन सियो क्योंग डुवोन को बोलती है कि अब तुम क्या करोगे, बिकॉज अब तो ट्रेन भी रद्द हो चुकी है, अब तुम कभी वापस भी नहीं जा पाओगे। इस पर डुवोन बोलता है कि मैं उस पर्सन को दूर से देखकर खुश होता रहूंगा यहाँ रहकर। हाँ, सियो क्योंग सडनली इन डायरेक्ट वे से अपनी सारी फीलिंग्स डुवोन के सामने रख देती है, एंड डुवोन भी एकदम से बोलता है कि चाहे ये दुनिया होगी चाहे मेरी वाली दुनिया होगी, हर सेकंड मैंने तुमको ही चाहा है, लाइक चीजी लाइन। और वो बोलता है कि चल कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कि किस पॉइंट से स्टार्ट करें अपने रिश्ते की, मैं डुवोन हूँ। और यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाता है, लाइक दोनों ने एक दूसरे का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ डुवोन मिन को थैंक यू बोलने जाता है, बिकॉज जो एक दिन के लिए मिन ने वो ट्रेन मतलब खुलवा दी थी, जिस वजह से डुवोन अपनी दुनिया से स्पेलर यूनिवर्स में आ पाया। और यहाँ डुवोन उसी कार एक्सीडेंट की वो फोटोज देखता है, अरे वही जो रिवर में से निकाली थी। इशिक मिन डुवोन को प्यार करती थी इसलिए उसने डुवोन की हेल्प करी थी, बट वो डुवोन की खुशी के लिए एज अ सारी उम्र उसके फ्रेंड रहने के लिए तैयार थी। हाँ, डुवोन जब पुलिस स्टेशन होता है तो वो पुलिस स्टेशन में फोटोग्राफ्स देख रहा होता है कि किस किस को चीफ बनाया गया था, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में रखा गया था। वहाँ पर वो चीफ की फोटो देखता है और एकदम से वो चीफ की फोटो में हाथ में कुछ निशान नोट करता है, और उसे याद आता है जो उसने इस दुनिया में चीफ को देखा था उसके हाथ पे तो कोई निशान नहीं था। और वो एक से डुवोन को समझ आ जाता है कि ये वाली चीफ किसी और दुनिया से यहाँ पर आई है, मतलब और पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और उस चीफ ने इस दुनिया की चीफ को मारकर उसकी जगह रख ली। यहाँ सियो क्योंग जब घर पहुँचती है तो उस पर कोई बहुत बुरी तरीके से जानलेवा हमले पे हमला करता है, पर यहाँ पर एकदम से डुवोन का सिर दुखने लग जाता है और उसको एकदम से सियो क्योंग का ख्याल आता है, एंड वो उसके घर पे उसको चेक करने के लिए जाता है। एंड
वहाँ जब वो सियोक्योंग को अधमरी सी हालत में देखता है, वो एकदम से घबरा जाता है। लाइक उसे वो टाइम याद आता है कि सियोक्योंग कैसे ही मतलब मर गई थी, बट थैंक गॉड सियोक्योंग को कुछ हुआ नहीं होता। उसको हॉस्पिटल में एकदम से भर्ती करवाया जाता है। सियोक्योंग की ऐसी हालत देखकर डूवोन को चीफ की बात याद आती है और वो गुस्से से चीफ से जेल में मिलने जाता है। और यहाँ पर पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। मैं तुम्हारे आने का ही वेट कर रही थी, क्या हुआ सियोक्योंग को कुछ हो गया? और तुझे क्या लगता है कि तू अकेला अपनी दुनिया से स्पेलर यूनिवर्स में आया है? बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, एक ट्रेन नहीं आती, और ऐसी काफ़ी दुनियाएं हैं, और सियोक्योंग पे मरेगी तो सिर्फ तेरी ही वजह से मरेगी, क्योंकि तू इस दुनिया में आकर गैप फिल कर रहा है डूवोन का, और इस दुनिया में रहकर तू इस दुनिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से सारा खामियाजा सियोक्योंग की मौत से ही भुगतना पड़ेगा। जिस पर डूवोन एकदम से चिल्ला उठता है कि नहीं, तुम और तुम्हारा बेटा अलग थे, पर जिस पर चीफ बताती है कि मैं भी काफ़ी दुनिया से ट्रैवल कर कर आई, पर मैं इस अपने भाग्य को नहीं बदल पाई कि एट लास्ट मेरा बेटा इस दुनिया में भी मर गया, और सियोक्योंग भी मर जाएगी इस दुनिया में जब तक तू इस दुनिया में रहेगा। ये बात सुनकर डूवोन एकदम से बौखला जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से सियोक्योंग को इस दुनिया में कुछ हो। एंड वो भागकर मुग्योंग स्टेशन पर जाता है, एंड उसे पता लगता है कि वहाँ पर 8210 वाली ट्रेन ट्रैप डोरी है, यानी कि धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब डूवोन अब कभी भी अपनी दुनिया में वापस कभी नहीं जा सकता, और इस बात से डूवोन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसकी वजह से सियोक्योंग को कहीं कुछ हो ना जाए, लाइक वो दोबारा से मर ना जाए। यहाँ सियोक्योंग को जब होश आता है तो वो अपने सामने डूवोन को नहीं देखती, तो वो एकदम से कॉल कर पता करने लग जाती है कि डूवोन कहाँ गया। और यहाँ डूवोन एकदम से परेशान होता है कि लाइक वो क्या करे कि वो अब अपनी दुनिया में भी वापस नहीं जा सकता, अगर यहाँ रहेगा तो सियोक्योंग की जान को टेंशन। बट एट लास्ट वो सियोक्योंग के पास वापस आ जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ सियोक्योंग भी डूवोन को देखकर खुश हो जाते हैं, बिकॉज उसके फादर के बाद वो हमेशा फील करती थी कि जब भी वो अपनी आंखें खोल ले तो उसकी केयर करने वाला कोई उसके पास हो। देन जब सियोक्योंग ठीक हो जाती है तो सियोक्योंग और डूवोन साथ में पुलिस वाला काम अपना करने लग जाते हैं, केस सॉल्व करने लग जाते हैं। और वो एकदम घूमते घूमते उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर डूवोन सियोक्योंग को बताता है कि इस जगह पे मैं पुरानी दुनिया में लाइक अपनी दुनिया में तुझसे मिला था, बस इस दुनिया का डूवोन तुझसे नहीं मिला इस जगह पर। एंड सियोक्योंग भी उस जगह को देखने लग जाती है। देन डूवोन सियोक्योंग को घर छोड़ने जा रहा होता है, बट एकदम से वो सियोक्योंग को बहुत टाइटली हग कर लेता है। सियोक्योंग के घर जाने के बाद डूवोन सियोक्योंग को एक वॉइस मेल करता है कि सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहा, बट मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह नहीं सकता, हमें कभी मिलना नहीं चाहिए था, बट स्टिल मैं तुझसे मिलकर कोई पछतावा फील नहीं करता, मैं तुझसे मिलकर बहुत खुश हूँ, और तेरे साथ जो टाइम बिताया वो मेरी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था। मतलब ये सारी बातें करते करते डूवोन मुग्योंग स्टेशन पर चला जाता है, और यहाँ पर सियोक्योंग को एकदम से याद आता है कि इस दुनिया में भी डूवोन उस रात को उसको मिला था, बिकॉज इस दुनिया में डूवोन ने उसको अपना अम्ब्रेला नहीं दिया था, बट उसको खरीद कर दूसरा अम्ब्रेला दिया था। ये बात सियोक्योंग को जैसे ही याद आती है, वो डूवोन को बताने के लिए कॉल करने लगती है। वो इतने में उसका वॉइस मैसेज सुनती है और वो घबरा कर डूवोन को ढूंढने निकल जाती है। यहाँ डूवोन मुग्योंग स्टेशन पर खुद को ख़त्म करने चला होता है, बिकॉज उसने सियोक्योंग से प्रॉमिस करा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, और वो अपनी वजह से सियोक्योंग को मरते नहीं देख सकता था। बट जैसे डूवोन अपने आप को शूट करने वाला होता है, इतने में वो वहाँ पर एक नई ट्रेन को आते हुए देखता है। सियोक्योंग चीफ के पास पता करने गई होती है कि दूसरी दुनिया में आखिर जाते कैसे, पर चीफ उसको वो सारी बातें नहीं बताते और उल्टा ये बताने लग जाती है कि उसने 4 बार अपने बेटे को मरते हुए देखा, लाइक वो 4 दुनिया से होकर आई है। एंड वो सियोक्योंग को भी डूवोन के पास जाने से मना करती है कि अगर तू डूवोन के पास गई तो तू भी मर जाएगी, बट सियोक्योंग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। देन एक नई जगह दिखाई होती है और डूवोन भाग रहा होता है, और उसके पीछे काफ़ी लोग पड़े होते हैं, और यहाँ पता लगता है कि डूवोन 3rd parallel universe में आ गया है, जहाँ पर डूवोन खुद चीफ है। और डूवोन उनसे बचते फिरते भाग रहा होता है, और इतने में डूवोन रोड क्रॉस करने लग जाता है, एंड वो सामने सियोक्योंग को देखता है एंड अपनी नज़रें झुकाकर वहाँ से जाने लग जाता है। बट इतने में सियोक्योंग उसको बोलती है, और डूवोन समझ जाता है ये इस दुनिया की सियोक्योंग नहीं है, ये दूसरी दुनिया की सियोक्योंग है जो यहाँ पर आ गई है। एंड डूवोन उसको बोलता है चाहे हमारी स्टार्टिंग कैसी भी हो पर हमारा एंड कभी भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लग जाता है। बट सियोक्योंग डूवोन का हाथ पकड़ कर उसको रोकती है और बोलती है लाइक एक तरह से डूवोन का डायलॉग उसको ही बोलती है कि अभी सारी चीज़ें बहुत मेस्ड अप है, यानी कि बहुत उलझी हुई है, पर चलना एक नई शुरुआत करते हैं, मेरा नाम सियोक्योंग है। और ये सुनकर डूवोन भी एकदम से हंसने लग जाता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लग जाते हैं। बैंग, यानी कि इस ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ ये पूरा ड्रामा ख़त्म होता है। और हाँ, अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। चलो मेरे फेवरेट ड्रामा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता और फर्स्ट टाइम आप ये ड्रामा पूरा देखोगे, लिटरली बता रही हूँ आपको आधी से ज़्यादा स्टोरी पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। सबसे अच्छी बात इस ड्रामा की ये है कि हैप्पी एंडिंग है और मेन लीड्स लास्ट में साथ हो गए।
सच बताऊं तो ये ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। और इवन ये ड्रामा इतना अच्छा है, इसमें कोई भी ऐसा सीन नहीं है, इवन आप इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हो। इस ड्रामे का सबसे प्लस पॉइंट, और ये मेरी फेवरेट सीरीज में से एक है, स्टार्टिंग में चीफ जो सबसे प्यारी, भोली और इतनी शरीफ बताई गई है, और एट लास्ट कल्प्रिट भी वही निकलती है। बेसिकली स्टोरी में ये है, फीमेल लीड के फादर का मर्डर होता है और उसका इल्ज़ाम मेल लीड पर आ जाता है, मेल लीड के फादर पर आ जाता है, एंड उनकी भी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और मेल लीड को इस बात का गिल्ट होता है, इसीलिए वो फीमेल लीड को अपने साथ रखता है और अपने पैसों से उसको पढ़ाता है। देन वो दोनों ही पुलिस में जॉब करते हैं। मेल लीड फीमेल लीड को बहुत पसंद करता है, बट अपने फादर के गिल्ट के कारण कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। और फीमेल लीड भी मेल लीड को मतलब प्यार करती थी, बट उसकी मौत हो जाती है। देन मेल लीड दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक रास्ता खोज लेता है। स्टेप बाय स्टेप स्टोरी आगे बढ़ती है और माइंड ब्लोइंग, एकदम दिमाग हिलाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, एंड आगे स्टोरी इतनी अच्छी बढ़ती है, और एट लास्ट एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये सारी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। सो टेल मी फैमिली, आपको ये ड्रामा कैसे लगा? बाय बाय।